हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे गाइस। तो आज आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपका बाइक का जो डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक में एयर जम जाएगा, मतलब एयर आ जाएगा, जो यहाँ पर हवा जम जाएगा, तो आप लोग इस उच्च हवा को कैसे बाहर निकालोगे, तो उसका प्रोसेस आप लोगों को आज बताएंगे। और डिस्क में हवा जम जाने के कारण जो ब्रेकिंग फीडबैक है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और मतलब बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगेगा बाइक में। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा दबाना पड़ता है फिर भी ब्रेक सही से काम नहीं करता है, और अभी आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो, मैं ब्रेक को पूरा खींच दिया लेकिन ब्रेक फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो। तो उसी को आज ठीक करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे उसका प्रोसेस आप लोगों को आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक रेंच चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेरे पास अलग सा रेंच नहीं है, यही है, तो इसी का मदद से मैं इसको सही करूँगा। और एक काम आप लोग घर में भी कर सकते हो सिर्फ एक रेंच की मदद से। तो चलिए अभी देखो कैसे मैं इसको सही करूँगा, जो डिस्क के अंदर जो हवा है हवा को निकालूँगा अभी मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मेरे को जो रेंच से इसको ढीला करना है। ये जो नट है आप लोग देख सकते हो, नट को हम लोगों को ढीला करना है। जितना ढीला करेंगे उतना ही हम लोगों को बाद में टाइट करना होगा। तो ऐसे हम लोग ढीला कर दिया इसको, तो फाइनली ये ढीला हो गया। और उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, ये जो ब्रेक लीवर देख रहे हो, ब्रेक लीवर को हम लोगों को पूरा दबाना है एकदम खींच के। ब्रेक लीवर को हम लोग जैसे दबाया वैसे ही दबा के रहना है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यार एन जो वेल है वो निकल गया। तो अब इसको हम लोग जैसे हम लोग ढीला किया था वैसे ही टाइट कर देना है हम लोगों को। तो फिलहाल ये अच्छे से टाइट हो गया गाइस, और अभी इसको हम लोग छोड़ देंगे ऐसे। और अभी यहाँ पर जो यार एंड जो उसके साथ जो थोड़ा ऑयल निकल गया उसको हम लोग पानी से थोड़ा यहाँ पर पानी डाल देंगे, नहीं तो यहाँ पर मतलब निशान आ जाएगा। ये जो नाड़ है इसको मैं सही से टाइट किया, और ध्यान में रखना ये जो नाड़ है इसको लूज़ नहीं रखना चाहिए, जैसे हम लोग जैसे पहले टाइट था वैसे ही हम लोग को टाइट करना चाहिए। उसके बाद जो कैप है कैप को हम लोग लगा देंगे, इसको थोड़ा पाम करना चाहिए ऐसे, हम लोग 10-15 बार पाम करेंगे ब्रेक को। ऐसे पाम करने से ये ब्रेक जो है पूरा ठीक हो जाएगा। अभी देख सकते हो टाइट हो गया, अभी सही से काम करेगा जो ब्रेक। गाइस फाइनली हम लोग ब्रेक को ऐसे पाम कर दिया, और पाम करने के बाद आप लोग देख सकते हो बाइक थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है, ऐसे देख सकते हो बाइक एकदम सही हो गया। तो ऐसे आप लोग भी अगर आप लोगों का बाइक में कोई भी डिस्क ब्रेक में एयर जम जाएगा तो उसको ऐसे निकल के ब्रेक सही कर सकते हो। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाया। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।